आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए, वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूट ही नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूट ही नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुडबाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था। ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का, मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम, मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी, मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, क्या थी तो ये? मुसलमान हो या हिंदू हो, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज ये देश, मिस्र हो, इजिप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, पापुआ हो, जापान हो, हिरोशिमा हो, जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय देखे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वोमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है? और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल का, शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ, जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनको एक उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है? उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत बहुत नफरत है। अब मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है, तो इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, नखुनदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, जकात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। अब मैं आती हूँ कुरान पर।
क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदुओं हिंदू हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, हलाला सूरह अल बकर वर्सेस 2.230 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, हलाला इज अ सिन। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो। और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है, मुसलमान लड़के। मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा में, पर मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अन-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। अब आते हैं सूरह अल अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिलबाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है, हिजाब बुरका अबाया इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है, पाप है। पर हमारे मुल्ला जो है हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे, चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलात्कार हो जाएं और अजमेर 92 का किस्सा कितना ही सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए कि वहां कितनी अश्लीलता होती है, वो ये लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या 10 साल बाद आए, बात तो खुली जाती है। कहना चाहती हूं कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहां पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले ले करके, और 17 में जब मैंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब जाकर के या इसका इसका बेंचमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि इस तलाक को बंद किया जाए, और हमारे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, 3 से 7 साल की सजा है। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एडुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। ठीक है, बड़ा आपकी ये बातों से ऐसा लगा कि जितनी आप कॉन्फिडेंट हैं ये उतने ही शायद बाकी तमाम जो इंडिया की वुमेन हैं, जो इंडिया की मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जितनी भी लड़कियां हैं वो इतनी ही कॉन्फिडेंट डेफिनेटली होंगी। अच्छा, अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, अगर हम बात करें खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट, आपको क्या नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है इंडिया की खवातीन, इंडिया की लड़कियां और पाकिस्तान की लड़कियों के दरमियान जो डिफरेंस है? सबसे ज्यादा फर्क आता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ और बहुत वोकल हूँ मैं। हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को ना अपने कानून पर बहुत भरोसा है और अपने अपने जुडिशरी सिस्टम पर बहुत भरोसा है। हम मर्दों के अत्याचार को नहीं सहते हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जुडिशियल सिस्टम पर बहुत भरोसा होता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर एक लड़की के साथ धर्म परिवर्तन होता है तो वो आवाज उठाती है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करती है, एक लड़की के साथ अगर घर के अंदर भी मोलेस्टेशन होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करना जानती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में
लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वोमेन है। और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा कि उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से यहाँ तक वो पहुंची हैं, और निहायत ही एजुकेटेड, हम्बल, पोलाइट और सोफिस्टिकेट है वो। तो ये हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को और हिंदुस्तान की बेटियों की हमने मैंने तारीफ रखी है। अब आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में आपकी अदाकाराएं जो फिल्म एक्ट्रेस है वो खुद ही इंडिया के चैनल पर आकर के रोती हैं कि हाँ मेरे पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड था इसलिए मेरे को एयरपोर्ट वाले ने बहुत तकलीफ दी, मेरे को स्पेशल करके वेरिफिकेशन किया। आपके पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं वो बॉलीवुड में फिल्म बनाने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल समझती हैं। आपके पाकिस्तान की महिलाओं के पास अगर आप जाइएगा पूछने के लिए तो वो जरूर इंडिया की तारीफ करेंगी और कहेंगी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान जो लिबरल है वो उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पाकिस्तान की बेटियों के मुंह में आवाज नहीं है, वो अपने लीगल राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, शरिया लॉ में और इस्लामिक लॉ में दब करके कुचल करके रह जाती हैं। आपके पाकिस्तान में बेटियां ये मुंह खोल करके अपने अपने वालिद से, अपने फादर से नहीं कह पाती हैं कि कुरान ने हमें अनुमति दी है अपना लड़का खुद पसंद करने के लिए और ये राइट आप मेरे से नहीं छीन सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे बाप की उम्र का हस्बैंड हमें नहीं पकड़ाया जाता है क्योंकि हम उस पर रिबेलियस हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, और हमें ये राइट दिया गया है क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमें ये राइट देती है कि हम अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं और अपने बाप की उम्र के साथ निकाह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो इंडिया में है वो आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपके पाकिस्तान की लड़कियां कभी भी आपके आपके पाकिस्तान में हो रही गलतियों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हम बोल देंगे। लेकिन आप शायद देखती होंगी सोशल मीडिया पे कि 8 मार्च को खास तौर पे औरत मार्च पाकिस्तान में भी निकलता नजर आता है। पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी खवातीन, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात भी करती हैं, काम भी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेहतरी के लिए हमें मजीद करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर ये बात दिखाई जाती है, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जैसे भी ये ईद आ रही है, ईद का त्यौहार है, कहीं ना कहीं फिर कोई वीडियो, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, या उसको कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाएगा कि जी कुर्बानी के दौरान हिंदुओं ने मुसलमानों पे अटैक कर दिया, मुसलमान बहुत मजबूरी में वहां रह रहे हैं, मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, अपने मजहबी त्यौहार नहीं मना सकते। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले आपके वो 8 मार्च के मार्च की बात बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। चलिए, आपका इस्लामिक स्टेट है, मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं बोलना चाहूंगी। जी आपका जी इस्लामिक स्टेट है, मैं इस्लाम के हिसाब से बात करती हूँ। क्या आप नमाज ईद और बकरीद में ही सिर्फ पढ़ते हैं? जी ये तो बात है, बिल्कुल आपने बड़ी जब तक जिंदगी, जब तक आप की हयात है, जब तक आपकी सांस चल रही है, आपको पढ़ना है ना। तो वुमेन बिल्कुल, एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है। यानी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 8 मार्च को ही बस हाँ, आते हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम वुमेन कर रहे हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है, जो पाकिस्तान में नहीं दिखता है। ठीक है, अब आती हूं मैं आपकी बात पे। मैं आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल अभी रिसेंट के दे दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है और वो कितने हद तक यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ाते रहते हैं। मार्च में पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान का एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां पर राम उत्सव मनाया जा रहा था और वहां पर राम भक्तों के ऊपर मस्जिद से ईटा पत्थर फेंका गया, राम भक्तों को मारा पीटा गया, राम भक्तों को पैरों से कुचला गया, जिस पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है और 14 से ऊपर मुसलमान अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बता देती हूँ। 15 दिन पहले हमारे मध्य यूपी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 40 से 42 लोग जो हैं वो मंदिर में घुस करके फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे, जो अभी अरेस्ट हुए हैं, मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने चले गए।
अब मैं आपको तीसरा इंसिडेंट बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में एक स्कूल है गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जहां पर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाया जाता था, उनको मार पीट करके फोर्सिबली उनको कन्वर्शन कराया जाता था, और उनको उनके उनको धमकी दी जाती थी कि वो अपने पेरेंट्स को ना बताएं कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है स्कूल के अंदर। उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के 7 लोग अरेस्टेड है। अब मैं आपको चौथी बात बता देती हूँ। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में एक लड़का था शहनवाज, वो गेमिंग ऐप के जरिया यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कन्वर्शन करवाता था, कहता था ला इलाहा पढ़ो तो तुम ये गेम जीत जाओगे। उसने गेमिंग ऐप को इसी तरीके से सेट करके रखा था, जो अभी अरेस्ट है। अब मैं आपको पांचवा फुल एंड फाइनल बताती हूँ। हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स, लेकिन जो अभी एकदम रिसेंटली 15-20 दिन 25 दिन में हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको। कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दो भाई हैं मुसलमान, नासिर खान खादिर खान, जिन्होंने भरे बाजार में एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया, बार से पब से नाच गा करके, दारू पी करके, और मूविंग कार में उसको घर ड्रॉप करने के बारे में कह करके वो दोनों मुसलमान भाइयों ने बलात्कार किया। और उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सजा हुआ घटना है, तब जाकर के कानून सामने आया और उन लोगों को कन्विक्शन दिया गया 10 साल का। और जब 10 साल वो पूरा पूरा सजा खट के आया, तो वो 5-स्टार होटल में धूम धड़क्के से नाच गाना और दारू के साथ उसने अपना शादी भी किया। सो यू थिंक के मुस्लिम आर डिप्राइव्ड इन इंडिया? तो एक क्वेश्चन है, डेफिनेटली देखिए, मैं आपसे पहले भी बहुत सी ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, इवन जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से, ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात होती है, वो डेफिनेटली यही बताते हैं कि हम ओपनली रहते हैं, अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो वो आपस में, मतलब वो हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं होता, वो आपस में कोई इशू होता है जिसे रंग मजहब का दिया जाता है, और ये चीज़ मैं आप समझने में भी मतलब आती है बहुत ईजीली अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं। लेकिन ये जो हमें मीडिया पे वीडियोस दिखाई जाती हैं, कभी ये दिखाया जाता है मस्जिद शहीद की जा रही है, कभी ये दिखाया जाता है कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई जा रही है, खासतौर पे ईद के हवाले से मैं आपसे सवाल किया था कि जी वो कुर्बानी को लेकर इश्यूज आते हैं, इसके अलावा रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर इश्यूज आते हैं, तो इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एवरी फ्राइडे हमारे पूरे इंडिया में रोड पर नमाज होती है, गलियों में नमाज होती है, मार्केट्स को बंद करके नमाज होती है, और कुछ लोग तो इतनी हद पार कर देते हैं कि मॉल के अंदर भी नमाज पढ़ लेते हैं, पर उनको भी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी, ये सारी झूठी अफवाह है, ये सारी झूठी बातें हैं। हाँ, लाउड स्पीकर पर तब रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जब यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बच्चों के जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है या आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस के एग्जाम होते हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं, तो वो सारे एग्जाम जो कंटिन्यू होते हैं, तो उस वक्त मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर एक को नोटिस जाता है कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम उनके एडुकेशन के प्रिपरेशन में नहीं आना चाहिए। दूसरी एक चीज है कि हमारे आर्टिकल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक डेसिमल सेट किया हुआ है कि कोई भी जगह लाउड स्पीकर इससे ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉइस पॉल्यूशन और वॉयलेंस को भी बहुत ज्यादा, वॉइस को भी बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में गाड़ी का हॉर्न ज्यादा नहीं बजा सकते आप, वो साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। हम लोग डेफिनेटली बहुत सारी गाड़ियों में साउंड पॉल्यूशन को का एक बोर्ड लगा करके चलते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से इसको प्रोपगंडा बनाया जाता है। अब आपने बकरीद की बात कही है, तो मैं आपको वहां की बात बताती हूँ जिसको प्रोपगंडा बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए वो उस उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा हिट किया जाता है। मैं वहां का, या तो आप मुझे परसों अगर लाइव कीजिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी वहां का एकदम कॉन्फ्रेंस में लेकर के, बजाबते ठीक है, डेफिनेटली टेंट बनाए जाते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है, पॉसिबल अगर कोई आपको इश्यू नहीं है तो हम चाहेंगे कि दिखा सके, क्योंकि है, अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू 10 लोगों की सोच बदलती है, 20 लोगों की सोच बदलती है, तो ये मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है। जो एक नेगेटिव सेंस बना दी गई है, नेगेटिव माइंड पाकिस्तान में या ओवरऑल अगर कहीं पे भी बनाया गया है कि जुल्म होता है, जुल्म होता है, हमें इसे, इस माइंड को, इस कंसेप्ट को खत्म करने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हुआ जरूर करेंगे जी। डेफिनेटली आई प्रोमिस यू कि मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो वहां पर मुसलमान हैं उनके साथ ही मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर के आपसे बात कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक
एक दिन के बाद 29th, जी हाँ बकरीद को, तो जी हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पूरे में टेंट, बड़े बड़े टेंट बनाए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश में गार्बेज के बॉक्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, वाटर टैंक रखाया जाता है, और उसके बाद फिर जो वहां पर सफाई करने वाले मजदूर होते हैं वो भी कॉरपोरेशन की तरफ से दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जो ये फेस्टिवल मना रहे हैं उसको ना आ सके, और इमीडिएट रोड वगैरह या जो आंगन होता है या गलियारा होता है उसको इमीडिएट साफ कर दिया जाए। लेकिन वहां पर भी कुछ टेररिज्म माइंड के लोग आते हैं, और उसके बाद फिर हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए कभी फेसबुक लाइव कर देते हैं ज़बह के वक्त में, तो कभी खून का जो होता है ज़बह के वक्त में उसको लाइव करके दिखाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तब वैसे सिचुएशन पर भी योगी जी की सरकार जो है खामोशी से उन बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, और उन पर कानूनी कार्रवाई जो हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में उस हिसाब से रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का जो सेक्शन है उस हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। अदरवाइज इस पूरे इंडिया में ईद और बकरीद, जामा मस्जिद देख लीजिए, बड़ी मस्जिद देख लीजिए, आप मिनारा मस्जिद देख लीजिए, मतलब जिस स्टेट के भी मस्जिद के बारे में आप बोलिएगा मैं उस स्टेट की मस्जिद को लाइव आपको दिखा सकती हूँ, बहुत जी खूबसूरत। इवन फ्राइडे के दिन अगर आप मुझे वीडियो कॉल कीजिएगा तो मैं गाड़ी से चलते चलते कोर्ट से आते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी, या कोर्ट जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी कि सड़कों पर नमाज हो रही है, रोड पर नमाज हो रही है, और बजाबते पुलिस बैरिकेड दे करके पुलिस पोस्टिंग के साथ नमाज पढ़ाई जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। इधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बात ऐड करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मुझे एक पाकिस्तानी मिले, जो मैं पब्लिक रिएक्शन करता हूं उस दौरान एक पाकिस्तानी मिले जिन्होंने मुझे बोला कि मैंने इंडिया का विजिट किया। वहां पे जब मैंने मस्जिद को देखा तो जितना रश मस्जिद में, इंडिया की मस्जिद में है, जितनी तेजी से जब अजान होती है मुसलमान इंडिया के मस्जिद की तरफ जाते हैं, जितनी तेजी से मस्जिद भरती है, मतलब फुल होती है, उतना शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये चीज भी वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक सोचने वाली बात है कि अगर इतनी ही पाबंदी हो तो फिर दिन ब दिन मस्जिद की तादाद इंडिया में बढ़ती नजर आ रही है, अगर इतनी ही पाबंदी हो तो फिर दिन ब दिन मुसलमानों की आबादी इंडिया में बढ़ती नजर आ रही है। ये चीजें हैं जिन पे हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा मैम, मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आप क्या समझती हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप यूथ भी हैं, पाकिस्तान के यूथ के साथ आपकी डिस्कशन रहती है, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, क्या आपको लगता है हमारा माइंड और आपके माइंड में फर्क क्या है, और ये जो फर्क है क्या ये खत्म हो सकता है, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, या हम ऐसे ही, मतलब ये जो हमारी एफर्ट है किसी काम नहीं आने वाली? समझाया उनको चाहता है जो समझ सके, और जिन्ना से लेकर के जरदारी तक, सिर्फ और सिर्फ घमंड और तकब्बुर, सिर्फ और सिर्फ हाफिज सईद, सिर्फ और सिर्फ अजमल कसब, सिर्फ और सिर्फ उसामा बिन लादेन, अब और नहीं। ठीक है, आप दूर हम दूर। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहेंगी कि रिलेशन बेहतर चाहते ही नहीं आप, मतलब रिलेशन चाहते ही नहीं, बेहतर और खराब तो दूर की बात। बात ही नहीं उठ रही है, बेहतर, अच्छा, बुरा, खराब, आप बहुत खुश हैं, डजंट मैटर फॉर अस, आप बहुत दुखी में हैं, डजंट मैटर फॉर अस, आपने दुनिया जीत ली है, डजंट मैटर फॉर अस, आप कुछ नहीं जीत पाए हैं, डजंट मैटर फॉर अस, आपके यहाँ 1 महीना पहले भिंडी बैगन चोरी हो रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो एक्चुअली कैरेक्टर वाइज ठरकी है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों की तरह घसीट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी, हमारे न्यूज वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था, आपके यहाँ आर्मी को यूज किया जाता है, आपके यहाँ की जो खवातीन जो मिनिस्टर्स हैं शाजिया मर रही, वो हमारे फादर ऑफ नेशन बापूजी को गालियां देती हैं, वो हमारे मोदी जी के बात को डिफेम करती हैं, क्यों करती हैं भाई मुझे समझ नहीं आता है। हालिया में आपके यहाँ से बिल्लो रानी आई थी गोवा, उन्होंने भी जा करके जहर ही उगल दिया, अरे मुसलमान बहुत डिप्राइव है, क्या चाहिए भैया आपको, आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए, वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा, आपके पाकिस्तान से चूट ही नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूट ही नहीं आने देंगे हम, ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था,
कलेजा दहलाया था ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। देखें तो हम ओपनली हमें अब कुछ बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जहां पे जो शिकायत है, चाहे इंडिया को पाकिस्तान से है, पाकिस्तान को अगर इंडिया से है, वो शिकायत जब तक दूर नहीं होगी, चाहे वो टेररिज्म की है चाहे जो भी है, वो शिकायत दूर नहीं होगी, रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन हमें फिर भी, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपनी ओपिनियन देने का हक रखती हैं, राइट रखती हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि हमें अपनी गलतियों को, एज ए पाकिस्तानी मुझे अपनी गलतियों को मानना है। जहां पे भी कोई मिस्टेक करता है, चाहे पाकिस्तान में है बॉर्डर के दूसरी तरफ है, हमें वो मानना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। हम अगर ये देखेंगे कि अब हमें रिलेशन करना ही नहीं, तो शायद ये कुछ बेहतर नहीं होगा। गलतियों को दूर करके रिलेशन बेहतर करने के मैं हक में हूं। तो आप क्या कहने वाली थी? जी मैं कहने वाली थी कि बात ये नहीं है कि रिलेशन अच्छा या रिलेशन बुरा या हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि हम अपने राष्ट्र से और हमारे भारत की तमाम जनता से हमारे मोदी जी बहुत मोहब्बत करते हैं, और जो हमने अजमल कसब का देखा, जो हमने बहुत कुछ देख लिया, मासूमों की जान जाते हुए देख ली, ये सिचुएशन जिंदगी में कभी दोबारा ना आए। और इतिहास बनाया है 9 साल में मोदी जी ने कि ये सिचुएशन अब नहीं आ सकता, नहीं आ बिल्कुल, सकता। लास्ट हम अपने में, आर्मी से बहुत मोहब्बत, ठीक है, लास्ट में मुझे बस ये हम बता अपने आर्मी दीजिए से कि, बहुत, जी, आर्मी से, जी ठीक है आप अपने सवाल कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में मुझे बस ये बता दीजिए कि जैसे पाकिस्तान में हर बात पे उठा दिया जाता है कि इंडिया